We are going to study on the topic specific packing for export of किन्नू, mandarin and sweet orange. तो आज हम क्या देखेंगे, जब भी किसी फ्रूट का एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट होता है तो वो डायरेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है. आप डायरेक्ट फ्रूट जो है वो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट नहीं करा सकते. कुछ फर्दर स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं. उनकी प्रॉपर वॉशिंग होती है, प्रॉपर वैक्सिंग होती है, क्लीन पहले उनको किया जाएगा, ठीक है. फिर उनकी ग्रेडिंग, सॉर्टिंग एंड देन उनकी पैकिंग होगी. पैकिंग होने के बाद फिर वो कहीं जाकर ट्रांसपोर्ट होंगे. देन उसके बाद क्या होगा, उनकी मार्केटिंग होगी, ठीक है. तो स्पेसिफिक पैकिंग यहाँ पर क्या है कि पैकिंग कैसी की जाएगी उसकी, ठीक है. कुशनिंग मटेरियल्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं. न्यूज़पेपर्स वगैरह में फोल्ड करके किसी फ्रूट को आप एक्सपोर्ट करते हो सो दैट उसकी प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है. वो फ्रूट ख़राब ना हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम वो फ्रूट ख़राब हो सकता है, ठीक है. इसलिए आप उसको क्या करते हो, बॉक्सेस में कवर कर लेके जाते हो. तो स्पेसिफिक पैकिंग किसी भी फ्रूट की होना इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ आज जो हम पहला वाला फ्रूट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है किन्नू. व्हाट इज किन्नू? किन्नू क्या है, एक सिट्रिक स्पीशीज है, ठीक है. इट इज़ जस्ट लाइक ऑरेंज, ठीक है. ऑरेंज जैसा ही होता है दिखने में, एंड ये एक सिट्रिक स्पीशीज है. लार्जेस्ट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इन इंडिया इट इज़ पंजाब, ठीक है. पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है किन्नू की. एंड अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है, पाकिस्तान में. अब हम बात करेंगे फ्लो चार्ट की. फ्लो चार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, फ्लो चार्ट में हम पूरा देखने वाले हैं कि कैसे एक फ्रूट जो है वो लाया जाता है, उसकी पिकिंग होती है, देन उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, कैसे उसकी वॉशिंग होगी, उसको क्लीन कैसे किया जाएगा, देन उसकी सॉर्टिंग होगी, जो सड़े हुए फ्रूट्स होंगे, ठीक है, उनको कैसे अलग किया जाएगा, वो सब हम पढ़ेंगे. एंड देन उसकी कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगी टू अ पर्टिकुलर एरिया, प्लस उसकी मार्केटिंग कैसी होगी, वो सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो सबसे पहले क्या होगा, ऑर्किड से क्या होगा, पिकिंग होगी फ्रूट की, ठीक है. फ्रूट्स जो हैं वो किसी यार्ड से ले लिए जाएंगे. देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगी टू प्रोसेसिंग यूनिट्स, ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद वेयर टू प्रोसेसिंग यूनिट, वहाँ पे उनको क्या किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, उनको वॉश किया जाएगा. देन उसके बाद उसकी वैक्सिंग होगी, देन उनको सुखाया जाएगा, ग्रेडिंग होगी, उनको सॉर्ट किया जाएगा कि कौन से ख़राब फ्रूट्स हैं उनको वो सेपरेट कर देंगे और कौन से जो ठीक वाले होंगे वो आगे फर्दर स्टेप पे जाएंगे, ठीक है. देन उन अच्छे वाले फ्रूट्स की क्या होगी, वो पैकिंग कर देंगे, वेट प्रॉपर उनका मेजर किया जाएगा, देन उनको स्टोरेज में स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है. कोल्ड स्टोरेज पर्टिकुलरली, जिसका टेम्परेचर कितना होगा, 8 to 10 degrees Celsius. देन जब डिमांड होगी तो उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टू नॉर्मल ट्रक्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, और जिसमें क्या होगा, एक्सपोर्टेशन और इम्पोर्ट जो है वो दोनों इंक्लूडेड होता है. एंड आगे उसकी कैसे मार्केटिंग होगी, ठीक है, किस प्लेस पे उसको जाना है वहाँ पे उसको पहुँचा दिया जाता है. तो इन सब स्टेप्स में हमने क्या देखा कि जो पैकिंग है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रूट को बचाने के लिए भी, और फ्रूट को कैसे उसकी मंजिल तक पहुँचाया जाए वो भी. नाउ वी विल स्टडी द स्टेप्स. तो अब हम क्या देखने वाले थे कि पैकेजिंग प्रोसेस के हम डिफरेंट स्टेप्स देखेंगे कि कैसे पैकेजिंग होती है, ठीक है. इसका सबसे पहला स्टेप क्या है, क्लीनिंग. तो जो फ्रूट है इट कैन बी क्लीन्ड मैन्युअली बाय हैंड रबिंग इंडिविजुअल फ्रूट डंप इन अ टैंक ऑफ सैनिटाइज्ड वाटर. इसमें क्या होगा, पहले तो हैंड पिकिंग होगी किसी ऑर्किड से, ठीक है. वो जो है क्लीनिंग के लिए भेजे जाएंगे कहाँ पे, प्रोसेसिंग यूनिट्स में. पहले क्या होगा, जो सैनिटाइज्ड वाटर टैंक होंगे उनमें इनको डाल दिया जाएगा, डिप कर दिया जाएगा, डंप कर दिया जाएगा. देन उसके बाद वहाँ पे जो वर्कर्स होंगे उनकी हेल्प से क्या होगा, हैंड रबिंग टेक्निक की मदद से इनको क्या किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा. अब हम बात करें उस वाटर टैंक में क्या क्या होना चाहिए. वहाँ पर ऐड किया जाता है 150 ppm हाइड्रोक्लोरस एसिड टू मेनटेन द pH ऑफ 6.5, ठीक है. 6.5 जो है मतलब हल्की सी एसिडिटी यहाँ पे इनको, एसिडिक इसको बनाया जाता है, हल्की सी एसिडिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई जाती है. मतलब ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें आपको क्लीनिंग प्रोसेस करना होता है. नाउ अगर हम बात करें, स्प्रेइंग ऑफ फंजीसाइड्स कैन बी अप्लाइड एज हाई प्रेशर स्प्रेज आफ्टर वॉशिंग. वॉशिंग के बाद आप कुछ फंजीसाइड्स के स्प्रे भी उस पर कर सकते हो सो दैट वो फ्रूट जो है वो डिटेरॉइट ना हो, ठीक है, वो ख़राब ना हो.
उसके बाद क्या होता है, वॉशिंग के बाद आपको पता है वॉशिंग होने के बाद क्या होता है, जो नेचुरल वैक्स किसी फ्रूट की वो निकल जाती है, ठीक है, वो खत्म हो जाती है, पील ऑफ हो जाती है।